लहसुन का रायता बनाने के लिए लहसुन हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल के चीले। सो बस निकल रही हूँ मैं हेयर में ऊपर। वेलकम बैक टू अवर न्यू अंदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर सब बढ़िया है। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, टाइम हो गया है 3 o'clock। तो बच्चों से आज मैंने सारा काम करवाया है, उनकी बैग और भी मतलब यूनिफॉर्म मशीन में डलवाई है, वॉशिंग मशीन में डाल के, क्योंकि आज सैटरडे तो वॉश होनी है, और बाकी हैंड वॉश वगैरह करके और अपना बैग अपनी जगह पे रखना, लंच बॉक्स वाटर बॉटल निकालना, ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो आज इन्होंने खुद की हैं, क्योंकि अब इन्हें ये चीज़ें आनी चाहिए। और मैं डेली कहती थी लेकिन सुनते नहीं था, थोड़ा स्टिक होकर बोलना पड़ा तो इन्हें सुन लिया। और अब मैं बना रही हूँ खाना। आज चिज्जी कहाँ है? चिज्जी उसमें है, इधर आओ। कहाँ? इधर है चिज्जी। हाय। तो अब मैं इनके लिए बस जल्दी से खाना बनाती हूँ, रोटी सेक देती हूँ। आज बनी है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और आज मैंने दाल नहीं बनाई, दाल मेरी कल की भी रखी रह गई थी तो वो दाल रखी हुई है, बाकी राइस मैंने बनाई नहीं है। दाल और सब्जी और दही रखा हुआ है इसके साथ में। दही से बच्चे इजीली खा लेते हैं, खाली रीशू नहीं खाती, बाकी हम तीनों लोग खा लेते हैं। तो चलिए खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की तो वो कह रहे हैं मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो तुम जब तक खाना खा लो, तुम बस बच्चों को खाना बना के देती हूँ, इनके साथ मैं भी खा लूंगी। तो यहाँ मैं ले आई हूँ खाना, आओ बच्चे चलो। और यहाँ चल रहा है इनका मोटू पतलू, चलो आ जाओ दोनों। की लाइट ऑफ कर रखी है, चलो मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, पहले खाना खाते हैं, आ जाओ। इनको अभी से ना वो चाहिए सॉक्स, ठीक है ना, बिना सॉक्स के नहीं आ सकती, क्या ठंडा लग रहा है, अभी से ठंडा लगने लग गया इन्हें। बहुत सही, अभी तो आप कह रही थे यहीं पर रखे हैं मम्मी सॉक्स, बोले थे आपने ना, इतनी देर लग गई निकालने में। इसने सारे कपड़े वो ढूंढ रही थी। क्या इतनी जल्दी खराब हो तो रखने पड़ते हैं, कोई सब खराब कर दिए। पीछे के ठीक है, यहाँ के ठीक है, बस यहाँ के हुए। क्यों करती है ऐसे? ये वाले सॉक्स पहन के जा रही है, ग्रेप वाले। और आज डॉक्टर साहब आए 5 बजे, अब ये खाना खा रहे हैं, और यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, ट्यूशन इनका है 5:30 बजे का, और इस समय ना 5 बजे अंधेरा हो जा रहा है, लिटरली मैं दिखाऊं आपको ऐसा लग रहा है ऐसे अंधेरा हो रहा हो। ये देखो बाहर ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 बज रहे हो, अभी इतने दिन छोटे हो गए, छोटे दिन हो गए एकदम से। अब सुबह तो खैर लगता नहीं, रात बड़ी होने लगी है और दिन होने लगे छोटे। सुबह हम लोग 6 बजे इजीली उठ जाते हैं, कतई कोई प्रेशर नहीं लगता है ना, क्योंकि रात अब छोटी होने लगी ना तो हम जल्दी, अंधेरा तो जल्दी से आदमी सो भी जाता है। हाँ बड़ी होने लग गई। हाँ रात बड़ी तो मतलब तो हम इजीली सो जाते हैं टाइम से। दिखा दो मेरे को, अच्छा ये लो रीश। आज के लिए मैंने मम्मी और पापा को बताया भी नहीं, आज हम करने वाले हैं, हू नोज मी बेटर। नहीं मुझे कोई दूसरा चैलेंज करना था। कौन सा? वो हम बताएंगे बाद में। दीदी ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया। अरे वाह, 12 में से 11 आ रहा है। अरे वाह, अभी देखो पता है गलती क्या है। इसीलिए तो बोलते हैं पहले से प्रैक्टिस करके रखो ना। देखो ये तो पूरा ठीक है, ये सब मैं सही गया मेरा, ये भी ठीक गया, ये पहले दीदी को लगा कि 85 है, फिर उन्होंने कट करके 95 लिखा, फिर उनको लगा 85 है, फिर कट करके 95 लिखा, तो पूरे नंबर मिले इसमें। फिर जो ये है इसमें मैंने यहाँ डिजिट सही लिखी है, यहाँ गलत लिख ली, कोई तो पूरा गलत हो गया। इन छोटी छोटी मिस्टेक से हम ये सीखते हैं ना कि मैं थोड़ा और केयरफुली करना चाहिए, इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए, मोर प्रैक्टिस। ओके गुड, वेरी गुड। सुन लो जो ये वाला है ना, ये मैंने सही किया है, कैलकुलेटर के हिसाब से भी ठीक हुआ है, लेकिन पीछे बुक में गलत दे रखा है आंसर। हाँ। यस, मेरा क्यूट बच्चा। और रीशु नहीं आई अभी, वो खेल रही है। अच्छा पता है इस बार मैं कैसा आटा लेकर आई हूँ? मिक्स वाला, मिक्स ग्रेन आटा है ना, उसमें चावल का भी होगा सबका, पता नहीं कोई कोई जो मोटे मोटे अनाज होते हैं ना वो वाले मिक्स है, तो इस बार हम वो खाकर देंगे कैसा लगता है। ओके साइन कर दूं? अरे भाई दीदी ने कहा कि कल 11 बजे से, फिर पता नहीं कितने बजे का वो होगा। गुड, अब उसका होगा टेस्ट कल, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम। कमर में पेन कैसा है? आराम है थोड़ा बहुत? डेली ऐसे ही बोलते फिर होने लगता है। अभी आप इस वाले बेड पे मत लेटना है ना,
या फिर इन वाले मैट्रेस को हटा ही देती हूँ, है कि नहीं है, बेकार है। और अभी मैंने डॉक्टर साहब के, अभी रुको 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 थमो, अभी मत लेना ये, बहुत गर्म दूध हो रहा है, मुझे थोड़ा ठंडा करने दो इसे। अरे यार बहुत गर्म है ये दूध, थोड़ा ठंडा करने दो। ये हल्दी वाला दूध बना के लाई हूँ जिससे कि इन्हें थोड़ा हेल्प करेगा रिकवर होने में। ये वैसे दूध पीते नहीं है, इन्हें भैंस का ही दूध अच्छा होता है, जो दूधिया का दूध होता है ना इन्हें पसंद नहीं है। अब हम कहाँ जाएं भैंस का दूध ढूंढने के लिए। सो ये है, ठंडा करती हूँ इसे। सही है, नॉर्मल हो रहा है, इसको पी लिया करो ना, हल्दी डाल के महक नहीं लगती। अब हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल के चीले, तो बैटर मुझे तो लगभग सही लग रहा है ना। हाँ, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है, ठीक है एकदम, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं वो फ्लैट वाला तवा लेती हूँ बिल्कुल। पहले वो लहसुन की उसका रायता बना लूं, जो मैंने कल देखी थी रेसिपी ना, लहसुन वाला रायता है वो बना दूं। देखो कितना मोटा लहसुन की एक कली है, ऐसा जैसे छोटे वाला प्याज। दो मिनट में छिल के तैयार है, आदमी इतना परेशान हो लहसुन के चक्कर में, बहुत है इतना सारा, ये सारा पहले का है। खुशबू भी है, नहीं है, नहीं खुशबू तो बढ़िया है इसमें, पहले की थोड़ी अलग आ रही है। क्यों, ये चाइनीज है मुझे लगा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, इतना बहुत है बस, बहुत हो जाएगा। लहसुन का रायता बनाने के लिए लहसुन लिया है मैंने, पूरा एक लहसुन ले लेना आप। और उसके बाद इसमें हमने हरी मिर्च, मैंने जीरा भी डाला है इसमें, कसूरी मेथी डाली है और अजवाइन डाली है, इतनी चीजें डाल रखी हैं। अब इसको अच्छे से हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद जब तक मैं, ये जो मैंने मूंग की दाल ना रात को ही भिगो के रख दी थी, सुबह अच्छे से फिर पीस ली है, तो पीस के ऐसा बैटर तैयार कर लिया है। जब तक मिक्सी में आप इसे पीसो, मैं तवा गर्म कर देती हूँ। अब मैं इसमें ना नमक और ऐड कर देती हूँ, नमक ऐड करना भूल गई थी ना, मुझे बिना पानी के ही पीसना है, तो इसे एक बार और मैं चला देती हूँ। ये हमारी लहसुन वाली चटनी तो बनके तैयार हो गई है, अब हम इसको छौंकेंगे। इसका रायता बनाने के लिए पहले मुझे पेन लेना है, फिर हटाती हूँ मिक्सी को ना, इसको साफ करके रखूंगी, रख देती हूँ। तो ये मैंने एक पैन ले लिया, अब इस पैन में मैं ऑयल डाल देती हूँ, मैंने सरसों का तेल लिया है इसको पकाने के लिए अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ी हींग डाल देंगे, इसे चला लो, इसे हाथ जल जाएगा जब तक ये तवा भी गर्म होने वाला है। और यहाँ जो हमने लहसुन वाला पेस्ट बनाया था उसे भून लिया है अच्छे तरीके से, और यहाँ मैं बना रही हूँ दही का पेस्ट। मिट्टी के जार में मैं अच्छे से फिर फेंट लेती हूँ, अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल मट्ठे जैसा हो जाएगा। और फिर ना इसे ठंडा करके, ये गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे में मिलाना है हमें ये दही, वरना दही फट जाएगा। इसमें हमने दही मिक्स कर दिया है, रायता बनकर हो गया हमारा रेडी। तवा भी हमारा गरम होकर रेडी है, और अब हम लेते हैं अपना पेस्ट और बनाते हैं चीले, चीले या डोसा आप कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ पर हमारा रायता बनकर हो गया रेडी, ये भी बहुत टेस्टी बना है। पहले मैं इस पर ऑयल स्प्रेड कर दूँ, है ना, फिर हमें मीडियम आंच कर लेनी है इसकी, जब इसको बन जाए ना ये बहुत है, एक इतना ही पतला बना के देख लो, इसको अच्छे से फेंट लिया। जब हम कैमरे में फोकस नहीं करते हैं ना, तो हम चाहे ना इस बैटर में ना हरी मिर्च भी डाल दें, प्याज डाल दें इसी बैटर में, वैसे बन जाएंगे अच्छे, टमाटर डाल के। तो इसको आलू बॉईल करके इसका, इसमें हमने नमक नहीं मिला, इसमें नमक मिला देना चाहिए था, थोड़ा सा डाल दो। हाँ
कहो तो काट दूं मिला लूं। हाँ अच्छे लगेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बनाया है ये वाला चीला, ये वाला। अब मेरा भी नंबर आएगा, पहले इनको बनाने दो, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ कैसे बनते हैं। चलिए हिताक्षी को निकाले, अपने डॉक्टर साहब ने सारे डोसे बना दिए, ये लास्ट है। तो बिल्कुल पतला कर दो यार, फैला दो यूं ही, कुछ नहीं होने का, सब बढ़िया बन जाएगा। मेरी फ्रेंड है ज्योति, वो बनाती है, इसमें से कई बार कहा कि तू बना के देखना बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बना ही नहीं पाई। हाँ ठीक है ठीक है। आज फिर मैंने रात को भिगो ही दी थी, वो दाल बनानी थी, दाल बनी नहीं, मैं क्या इसके चीले ही बना लेती हूँ। पर ऐसे गैप रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, सही है। और ये भाई हमारे तैयार हैं चीले के साथ में लहसुन का रायता, बहुत टेस्टी लगता है, बढ़िया एकदम। हाँ बहुत गर्म है, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चों की ना यूनिफॉर्म लेकर आनी है विंटर वाली, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। और हिताक्षी की तो ड्रेस बिल्कुल ठीक है यूनिफॉर्म, रिशु की है थोड़ी अभी तो नई आई ना, क्योंकि पुरानी वाली तो पुराने स्कूल की थी, न्यू स्कूल की न्यू यूनिफॉर्म लानी है, तो उसी को लेने जा रहे हैं। रिशु की पूरी यूनिफॉर्म आएगी। और आपका ब्लेजर नया लिया था उन्होंने पिछली साल को ना, देख लो एक बार, लास्ट ईयर को मुझे पता है हमने नया लिया था। और रिशु का आएगा अभी हाफ स्वेटर और फुल स्लीव्स की, वो लेंगे जैसा भी आएगा देख के आती हूँ, ठीक है। okay. आती हूँ अभी। और ये मैंने आज वो वाली अपनी नई ड्रेस पहनी। मम्मी रिशु की टाई अगर लाओगे तो वैसी लाना, कपड़े वाली। स्कार्फ इससे मैच कर रहा है, सही है ना। हाँ विदाउट स्कार्फ कैसा लग रहा है, दे दे अब ना ऐसे, ठीक है चलो चलते हैं जल्दी। तो गाइस अभी आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ हो रही है मार्केट में, और यूनिफॉर्म वाली शॉप पे भी कितनी भीड़ थी, भरा पड़ा था पूरा शॉप ना उसका। और यहाँ पर मैं तो यूनिफॉर्म परचेज कर रही थी शॉप से, जब तक डॉक्टर साहब क्लिप ले रहे थे, और कितनी दूर से इतना क्लियर जूम लिया ना उन्होंने कैमरे से, बहुत ही क्लियर आया था ये। और अभी मैंने यूनिफॉर्म जो लेनी थी वो सेलेक्ट कर दी है, बस भैया यहाँ पर बिल बना रहे थे, उसके बाद हम निकल लिए अपने बाहर। और बाहर भी ना बाइक से हमें, इसीलिए हम मोस्टली बाइक से आते हैं मार्केट में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। और उसके बाद हमने हिताक्षी और रिशु के लिए करवाई थी पाव भाजी पैक। घर पहुँच गए, अब हिताक्षी गेट खोलते ही देखो क्या क्वेश्चन पूछने वाली है। देखते ही मुस्कुराहट, ठीक है मिल गई। हाँ कितनी लायो? दो, एक आपके एक मेरी। हैप्पी यस। ये जो यूनिफॉर्म, इसे भी रखती हूँ अंदर। ये आ गए हम मार्केट से, उनकी पाव भाजी। इस बार हम अलग किसी जगह से लेकर आए हैं शॉप से, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इनका। आ जाओ। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। सो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छे लगे, और आप उसे लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे को ब्लॉगिंग करते रहने के लिए। सो बाय, बेल आइकन दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाता है कि अभी मेरा ब्लॉग आ गया है या फिर नहीं आया। नोटिफिकेशन आया था कि ब्लॉग आ गया है। ओके बाय। अब तुम जल्दी से सो जाओ, कल की यूनिफॉर्म की सारी तैयारी हो गई है, ठीक है। सो फटाफट चलो सो जाओ। गुड नाइट। बांध ली मैंने टाइट। हाँ वेरी गुड।